हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल करण में, करण लाइटिंग इंडस्ट्री में। अगर तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जैसे कि हमारा जो रिचार्जिंग बल्ब होता है उसे जो किस तरीके से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसके अंदर जो क्या क्या आइटम होता है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे जो चैनल पर ऐसी ही वीडियो आती रहती है जो आपके जो बहुत ही काम आने वाली है। अगर आप एलईडी बल्ब का बिजनेस करना चाहते हो, आप कर रहे हो, तो फ्रेंड आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि हमारा जो रिचार्जिंग बल्ब होता है उसमें क्या क्या जो आइटम होते हैं और उसे किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि रिचार्जिंग बल्ब हमारा ये होता है, ये फिर लाइट होती है जब भी जलता है, अगर नहीं होती है तब भी ये जलता है। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि इसका जो इससे बोलते हैं, कई कई बार बोलते हैं जैसे जादू बल्ब बोलते हैं, मैजिक बल्ब, जो कई बार आपने देखा होगा कहीं अगर आप थिएटर वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे जो उंगली लगा के या कहीं अंगूठी लगा के आपको बल्ब देखना जला के दिखाते, तो फ्रेंड वो ही ये एलईडी बल्ब है हमारा। तो मैं चलिए आपको बताते हैं इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जाती। तो फ्रेंड, जैसे कि ये हमारी इसकी जो पीसीबी आप देख पा रहे होंगे और इसमें जो ये हमने ये रिंग में यहाँ पे लगा के रखी है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना जाए तो इसलिए हमने ये लगा के रखी। और फ्रेंड, ये हमारी इसका जो सेल आता है, ये बैटरी आती है, तो ये हमारी बैटरी है 2200 mAh की बैटरी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। और भी आता है, सस्ता भी रॉ मटेरियल आता है, कहीं मिल जाता है। और इसकी जो बैटरी वगैरह है इस पर रैपर नया चढ़ा देते हैं, मगर ये न्यू सेल है। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको दिखा देते हैं इसे किस तरीके से जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और दूसरा ये मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा ड्राइवर है ये हैवी क्वालिटी का, ये हेवल्स वगैरह में लगता है, वो हमारा ड्राइवर है, आपको मैं दिखा दूँ। इसे हम एक या दो साल की गारंटी में आराम से इसे हम शेयर मार्केट में कर सकते हैं और अच्छा खासा हम पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप दुकानदार हो तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आप होलसेलर हो तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो भी आप इसे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसे किस तरीके से इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, ये जो आप देख रहे होगे इसमें तीन वायर हैं, आपको दिख रहा होगा, एक इसमें ब्लैक वायर है, एक रेड वायर है, एक वाइट वायर। तो फ्रेंड, ये तीनों वायर हमारे इस पर पीसीबी में लगेंगे, तो हमें किस तरीके से पीसीबी में लगाना है तो मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो फ्रेंड देखिए, ये आप देख रहा होगा, आपको ये बीच में एक सर्कल ये इसमें होल है, तो ये जो वायर है तीन हम इसे होल में डालने वाले हैं। तो फ्रेंड, इधर की साइड आप देख रहे होगे, तो मैं इसका एक आपको संकेत बता देता हूँ। फ्रेंड, आप सभी को पता है कि जैसे कि हमारा जो ब्लैक वायर होता है वो माइनस का होता है, तो हम इसे माइनस में लगा देते हैं, हल्का सा इसमें पेस्ट लगा लेंगे। और ये सोल्डरिंग से सोल्ड कर देंगे। अब दूसरा फ्रेंड, ये हमारा वायर है जो रेड है, इसमें भी थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे। और ये आप देख रहे होगे इसमें जो प्लस का निशान है, आपको दिख रहा होगा कैमरे में, आप देख लीजिए ये प्लस का निशान है, इसे हम रेड वाला यहाँ लगा देंगे। तो जो हमारा तीसरा वायर जो बचता है वो हमारा इसमें जो इंग्लिश में ये घोड़ा का भाग दिया है, और सॉरी इसमें जो अपना गणित में इसमें ये घोड़ा का भाग दिया है और इंग्लिश में इसमें एक्स का भाग दिया है, तो मैं आपको चलो इसमें लास्ट वाला ये वायर लगा देते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हमारी ये सर्किट एकदम तैयार हो चुकी है, लगा दिया है हमने, तो अभी आपको हम इसे टेस्टिंग के लिए लेके आते हैं क्या कि ये जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो फ्रेंड, टेस्टिंग के लिए हमारी आप देख रहे होंगे ये जो हमारी टेस्टिंग चिमटी है, इसे सीरेज लाइटिंग सीरेज बोलते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि एक भाग में मैंने यहाँ लगाया, एक ये लगाया, तो फ्रेंड ये जलने लगा है हमारा। तो अब आप सोच रहे होंगे सर कि इसमें जो बैटरी का जो कनेक्शन होता है उसे किस तरीके से करते हैं, तो मैं आपको
मिनटों में मैं आपका इसका जो बैटरी का कनेक्शन वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इसका जो बैटरी का कनेक्शन किस तरीके से हम करेंगे। तो फ्रेंड कुछ नहीं, इस तरीके से आपको मैंने जो दिखाया था इसमें जो वायर है लगा हुआ है कंप्यूटर, क्योंकि लगा के रखा है टाइम ज़्यादा ना लगे। तो इसे हम यहाँ पे जो कनेक्टर है तो इसमें फंसा देना होगा, तो हम इसमें फंसा के आपको दिखाते हैं। तो कड़ी वायर लगा दिया है, तो जब भी हम इससे दोनों जॉइंट करेंगे, जब दोनों यहाँ पे कनेक्टर लग जाएंगे तो ये तुम्हारा जलने लगेगा। तो फ्रेंड ये जो आप सोच रहे होंगे क्योंकि हमारा ये दोनों कनेक्टर है उसे किस तरीके से हम इसमें जो टच करेंगे जो हमारा ये एलईडी बल्ब जलेगा, तो फ्रेंड मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा क्योंकि अभी इसकी जो बनाने की बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो मैं इसे आपको तैयार करके पहले दिखाते हैं, उसके बाद में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसे किस तरीके से जो कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए इसे फिटिंग करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड इसका ये हॉल में होके ये जो हमारा वायर है तो यहाँ से हम ले लेंगे और कनेक्टर इस तरीके से लगा देंगे और फ्रेंड इसके जो वायर हैं वो हमने इस कॉर्नर में लेना है, यहाँ पे खांचा दिया हुआ है और यहाँ पे बैटरी को इस तरीके से इसमें जो अंदर सर्कल में फंसा देना होगा हमें। और जो बाकी ये दो वायर बचे हुए हैं हमारे इसे हम पीछे के साइड में ले लेंगे, इसमें ही भाग में आपस में फंसा के। तो उधर की साइड हमें इतना ही निकालना है जितनी हमें ज़रूरत है क्योंकि इसमें हमें सोल्डरिंग करना होगा। तो फ्रेंड इस तरीके से हमें इसकी जो फिटिंग करनी होगी और इसमें कुछ नहीं इस तरीके से इसे रिंग को लगा देंगे। तो फ्रेंड देखिए ये जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें हमें जो इसका भी B22 कैप है ये हम आपको लगा के दिखाते हैं। ये एक्स्ट्रा हमारी जो दो वायर हैं इसमें हम B22 कैप लगाएंगे। लगा दिए हैं तो अभी कुछ नहीं करना, हमें इस तरीके से रंगा ले लेना होगा, इसका जो सोल्डरिंग वायर ले लेना होगा इस तरीके से। इसका पीछे का B22 कैप का भाग है तो हम इसे बना लेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा ये जादू बल्ब है तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें जो दोनों कनेक्टर हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा ये चालू हो गया है और एकदम आप देख रहे होगे।
तो फ्रेंड देखिए, ये जो हमारा उंगली लगा रहे हैं यहाँ जल रहा है। तो फ्रेंड इस तरीके से इसका जो रॉ मटेरियल होता है, थोड़ा इसकी जो बैटरी डिस्चार्ज है अभी, तो इसे थोड़ा चार्ज करने में टाइम लगेगा और आपका जो बल्ब है एकदम रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड आप इस बल्ब को आप मंगाना चाहते हो, अगर आप इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इसका आप रॉ मटेरियल मंगाना चाहते हो, तो फ्रेंड आप इस जो चैनल हमारा उसमें आप जाके डिस्क्रिप्शन में नंबर ले सकते हो, हमारी जो कंपनी का नंबर है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आराम से आप अगर न्यू बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, आप नई बिजनेस के लिए भी आपको ऑप्शन है हमारी कंपनी में। और फ्रेंड आप आराम से अपना जो अच्छा खासा बिजनेस कीजिए और स्टार्टअप, और हमारी कंपनी का पूरा फुल सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।